फैमिली कैसे हो आप सब, उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है ब्लॉग विद सुनीता में। और आज हमारी गुड़िया की फरमाइश है कि मम्मा मटर पनीर खाना है, तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। थोड़ा बहुत ज़्यादा क्लिप नहीं, सबको ही आता है वैसे तो बनाना, बट क्या होता है जैसे मैंने आपको और भी बताया वीडियो में, खास बच्चों की फरमाइश भी पूरी करनी पड़ती है, उसका मटर पनीर बनाना, फिर उसके साथ में थोड़े से जीरा राइस भी बना लेंगे क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो उसी में से हम लोग भी सब खा लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रेवी बना लेते हैं लहसुन और प्याज की, सिंपल सा ही बनाऊंगी, ज़्यादा कुछ नहीं। देखो कैसे खेल रही हैं दग्गू। मैंने पनीर को भी कट कर लिया है, मटर को, और पनीर को फ्राई करके बनाएंगे आज। वैसे मैं बनाती ना हूँ, और ये मटर को भी थोड़ा फ्राई करना पड़ेगा, मैंने बॉयल नहीं की है, तो हरी मटर को कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है वैसे बॉयल करने का। तो इसी तरीका से तेल में इसको पकाएंगे और अच्छे से बना लेते हैं पनीर। और गुड़िया रानी बहुत ज़्यादा परेशान। मैंने देखो हल्का फुल्का फ्राई कर लिया है पनीर, अब कर लेते हैं मटर। ये मटर को ज़्यादा भून दिया मैंने, इसको भी हम निकाल लेते हैं, तड़का लगा लेते हैं। तो देखिए ग्रेवी बिल्कुल बन चुकी है, अब इसमें मटर और पनीर डाल देते हैं। तो ये मैंने ढक दिया है पनीर, अब ये बन जाएगा। आप लोग देख सकते हो कितना अहमी लग रहा है खाने का, पता नहीं। पनीर हमारा देखो बन चुका है बिल्कुल, आप लोग देख सकते हो। अब बना लेते हैं पुलाव, लोग भी आ जाइएगा खाने के लिए। तो यहाँ पे अब हम लोग लंच करने के लिए बैठ रहे हैं, तो यहाँ पे आज सिर्फ चावल एंड पनीर है, और वैसे तो रायता भी है पर हमने बोला रायता नहीं रखेंगे। फिर खा पी के यहाँ लग गई थी मैं अपने कामों पर। आप लोग देख सकते हो मैंने सिर धोया था आज, तो मैंने रबड़ नहीं लगाई है जैसे क्लेचर वेचिल, जिससे जल्दी सूख जाए। ड्रायर से क्या होता है थोड़ा सा बाल उलझ जाती हो, तो मेरा मन नहीं करता है। वैसे है मेरे पास, मेरी बहन ने गुड़िया रानी को गिफ्ट किया था, तो यहाँ पर मैं कपड़ों की तय कर रही हूँ, अपने हस्बैंड के कपड़ों की तय कर रही हूँ, क्योंकि मैं तुरंत की तुरंत सूख जाते हैं और तुरंत की तुरंत तय लगा के रख देती हूँ, ये मेरा रूल है। तो यहाँ पर मैं लेके चल पड़ी हूँ कपड़े ऊपर सुखाने के लिए, आप लोग देख सकते हो, क्योंकि धूप बहुत अच्छी आई हुई, आंगन भी काफ़ी बड़ा है, आप लोगों ने वीडियोस में देखा होगा। बट क्या है उसमें ना धूप बहुत जल्दी चली जाती है, तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े फैला रही हूँ, आप लोग देख सकते हो। भैया ने भी डाल दिए हैं, पीछे वाली तार पे भैया के कपड़े पड़े हैं, और मैं दो तारों पे मेरे कपड़े आ जाएंगे। तो यहाँ पर धूप अच्छी खासी है, आप देख सकते हो, मैं बिना स्वेटर से हूँ, बिल्कुल मुझे ठंड नहीं लग रही है। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी वीडियोस देखते हो। प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, वैसे भी मेरा मन नहीं करता क्योंकि सपोर्ट नहीं मिल रहा यार बिल्कुल भी। यहाँ पे गुड़िया रानी आ गई स्कूल से, आप लोग इनके ड्रामे। तो कपड़े मैंने डाल दिए, और मैंने आज धोया था सिर, अब करूंगी मैं कंघी, यहीं कर लेती हूँ। से पहुँचूंगी प्रियो, आज का दिन कैसा रहा? उठ बैग उतार दो, इधर आओ। कौन से कपड़े जो कुर्सी पर रखे हैं नहीं पहनने? क्यों, कहीं शादी में थोड़ी नहीं जाना, घर पे ही तो रहना है। कौन सी स्कूल की? कल पहनना कल। और घर में नहीं पहनते, ठंड लग जाएगी अभी तो। स्कर्ट है कहाँ आपके पास? फटनी की है ही नहीं। यहाँ पे प्रियम को दे दिया है खाना, आज लंच बचा के ले आई। प्रियम खाना अच्छा बनाया बेटा, पनीर चावल बनाया इसके ही वजह से।